गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं कंटिन्यूटी में। पहले इससे पहले हमने डी ब्रोगली इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन भी किया था उसका कि किस प्रकार से ड्यूअल नेचर पाई जाती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर, और उसी के आगे कंटिन्यूटी में हम ले रहे हैं आज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत कैसे आया, उन्होंने क्या बताया था कि भी कोई भी किसी भी क्षण किसी सूक्ष्म कण माइक्रो और मैक्रो दो चीज है। देखिए माइक्रो जो बहुत छोटा कण है प्रोटोन इलेक्ट्रॉन, मैक्रो जो बड़ा ले सकते हैं गेंद ले सकते हैं फुटबॉल की गेंद ले सकते हैं क्रिकेट की गेंद ले सकते हैं, ये मैक्रो। तो किसी क्षण किसी सूक्ष्म कण की जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी स्थिति व संवेग क्या क्या है, मोमेंटम पोजिशन और मोमेंटम पी एम बी ऐसे ले सकते हैं इसको, पोजिशन एक्स कोई मान लें। तो किसी क्षण किसी सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग दोनों को मानों को बिल्कुल सही ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भी कोई भी माइक्रो कण है हमारे पास पार्टिकल्स है, उसके अगर हम पोजिशन या मोमेंट दोनों की बात करें तो किसी क्षण हम उसके किसी भी पर्टिकुलर क्षण के ऊपर उसकी पोजीशन और मोमेंटम को बिल्कुल सही सही ज्ञात कर पाना असंभव है, और इसी का नाम इनका कि अनिश्चितता है। क्योंकि एक को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान कम करना पड़ेगा, दूसरे का कम होगा तीसरे का मान बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी इसके अंदर बनी हुई है, दोनों चीजों को हम एक साथ ज्ञात नहीं कर पाते हैं। बड़ी मैक्रो के अंदर हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसको हम समझने से पहले एक चीज देख लें, हमारे पास एक बॉल है क्रिकेट बॉल है, दूसरी हमारे पास एक फुटबॉल की बॉल है, और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ये हमारे पास बॉल है क्रिकेट की और ये हमारे पास है फुटबॉल, इस प्रकार से। तो हमें देख रहे हैं एक बड़ी चीज यानी इसके अंदर क्या है, एम का मान ज्यादा है, मास ज्यादा है, यहां पे मास कम है, यहां पे मास और भी कम है। इलेक्ट्रॉन को हम जानते हैं 9.1 × 10⁻³⁰ किलोग्राम। तो यहां हम देखेंगे कि अगर ये चीज लागू करना चाहें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का जो 1927 में इन्होंने दिया था, और क्या था कि मैक्रो मॉलिक्यूल के ऊपर ये ज्ञात कर सकते हैं हम, किसी भी बड़े कण की अगर हम बात करें तो वहां पे इसको हम ज्ञात करना आसान है। क्या एक ही समय में निश्चित पथ, क्या चीज ज्ञात कर सकते हैं इसकी, निश्चित पथ की बात कर रहे हैं, और निश्चित पथ कौन सा हुआ, जिस पथ के ऊपर हम एक ही समय के अंदर उसके पोजीशन और मोमेंटम दोनों को हम ज्ञात कर सके। तो यहां पे निश्चित पथ को हम लेकर की बात करें तो आप देखेंगे बड़ी बॉल है तो उसके लिए हम आसान होगा, एक ही समय में हम उसकी पोजीशन भी ज्ञात कर सकते हैं, उसका मोमेंटम भी ज्ञात कर सकते हैं, क्रिकेट की बॉल पे भी हम कर सकते हैं, गोल्फ की गेंद के ऊपर भी हम कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन यानी माइक्रो क्रिस्टल के ऊपर माइक्रो कण के ऊपर जब इन्होंने हाइजेनबर्ग ने प्रैक्टिकल करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर इस चीज को हम एक निश्चित पथ ज्ञात नहीं कर सकते जहां पे पोजीशन और मोमेंटम को ज्ञात किया जा सकता हो। इसी को लेकर उन्होंने क्या किया फिर एक्सपेरिमेंटली मान निकाला डेल्टा पी एक्स डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन या इक्वल, ये क्या है ग्रेटर देन अधिक होंगे या फिर इसके बराबर होंगे किसके, एच अपॉन 4π के, एच यहां पर प्लैंक कांस्टेंट है, डेल्टा पी क्या हमारे पास, डेल्टा पी हमारे पास है एक्स में पिंड या कहें कि कण के लिए किसी कण के लिए उसकी संवेग की अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी ऑफ द संवेग मोमेंटम, और डेल्टा एक्स क्या है एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी स्थिति की अनिश्चितता, पोजीशन की अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता बनी हुई है। यहां पे इसको एक रूप में और लिया डेल्टा पी एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4π रूट 1 प्लस एन स्क्वायर एच प्लस माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 3। तो इसके लिए उन्होंने क्या कि एक से अधिक मान ही होगा इसका, और एन के किसी मान के मूल मूल रेडिकल के लिए न्यू ये ले रहे हैं ये एक से अधिक ही होगा, और एक से अधिक होगा इसलिए इसको हमने कैसे ले लिया इस रूप में इसको हम दिखा रहे हैं। तो हमारे जब एग्जाम में क्वेश्चन भी इस रूप में आता है हमारे पास कि किसी कण की हमें मान लीजिए स्थिति पोजीशन बता दी
या उसकी पोजीशन में अनिश्चितता ज्ञात करना है या उसके मोमेंटम को बता दिया गया, तो हम आसानी से उसका एक चीज को हम निकाल सकते हैं और वो इस फॉर्मूले की सहायता से। एग्जाम्पल भी हम यहां पर एक लेंगे, तो यहां पर देखिए अगर इसी चीज को हमने कहा कि समय के साथ और ऊर्जा के साथ भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल हो सकता है आपको इस रूप में नहीं दे करके, पोजीशन और आपको समय मोमेंटम में नहीं दे करके, आपको एक कदे भी एनर्जी और टाइम के साथ ही दिया जाए। एनर्जी आपको दे दी, टाइम आपको ज्ञात करना है, तो भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए क्या लगाएंगे, डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी, ये डेरिवेशन सीधे निकाले हुए हैं, अपने को ऐसे ही इनको याद रखना है। डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा टी ग्रेटर देन या इक्वल एच अपॉन टू पाई, अगर इसमें मान रखेंगे तो भी हमें इसको अनिश्चितता को निकाल सकते हैं। डेल्टा ए क्या है, कण की एनर्जी के मान में अनिश्चितता, कण की एनर्जी के मान में अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी, और डेल्टा टी क्या है, कण की समय में अनिश्चितता, समय के मान में डेल्टा टी अनसर्टेनिटी इन टाइम, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। तो इसकी सहायता से भी हम इसके मान को ज्ञात कर सकते हैं। यहां पे देखिए चीज को समझने के लिए एक बार, अनिश्चितता में जैसे हमने कहा कि माइक्रो और मैक्रो दोनों की बात की, इससे पहले हमने वेव में पढ़ा था, एक जगह आपने देखा हो, देखी ये हमारे पास एक वेव आ रही है इस रूप में, और ये हमने इसका निकाला लेमडा, लेमडा इसकी तरंग दैर्ध्य को हमने ज्ञात किया। यहां पे इसका की पोजीशन को हम ज्ञात नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये आसान है ज्ञात करना लेमडा का मान, यहां पे ये दूरी ज्यादा है। अब नेक्स्ट देखिए, यहां देखिए इस लेमडा का मान थोड़ा सा कम हो गया, इसका मतलब उस कण की पोजीशन को ज्ञात करना थोड़ा आसान हो गया कंपेयर टू इसमें। और यहां पे और भी कम हो गया, और अगर बात करें हम इसकी, तो यहां पे लैम्डा इक्वल टू जीरो, पोजीशन को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमने पहले में देखा था लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 / p, तो इस रूप में भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्यों कि हम देखते हैं कि जहां पे लैम्डा का मान ज्यादा आ रहा है वो आसानी से हम लैम्डा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन को हम यहां ज्ञात कर पाना मुश्किल है। इसी प्रकार से यहां आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, एक गोल की गेंद है या आप कहेंगे बॉल हमने लेकर के राउंड ले रहे हैं, निश्चित पथ उसमें घुमा रहे हैं, तो उस बॉल को अगर वो बड़ी बॉल है या यूं कहें मैक्रो एलिमेंट है, तो वो आसानी से उसका हम पोजीशन को ज्ञात कर सकते हैं, उसके निश्चित पथ को ज्ञात कर सकते हैं, और एक ही समय में उसके हम पोजीशन और उसके स्थिति को हम ज्ञात कर सकते हैं, पोजीशन के साथ उसके मोमेंटम को ज्ञात कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिया आपके, क्योंकि न्यूमेरिकल इस पे दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए, डेल्टा वी, डेल्टा वी हमें ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए, यदि उसकी स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स का मान, डेल्टा एक्स बराबर हमारे पास क्या है 100 पीएम, पिकोमीटर, पिकोमीटर, और पिकोमीटर के लिए हमने कहा था कि 10 पीएम इसको हम पिकोमीटर को ले सकते हैं बराबर 100, ये हमने कितना लिया पिकोमीटर में 100 पीएम, ये 100 पीएम लिया, तो 100 पीएम इसको तो हम इसको कह सकते हैं 10^-10 मीटर, ये इसके इक्वल है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। अब इलेक्ट्रॉन का हमें पता है, तो अब अगर फॉर्मूला में इस चीज को हम रखें तो आप देख ही पाएंगे इसको डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4π हमने लिया था, और पी को हम क्या कर सकते हैं डेल्टा वी एम डेल्टा एक्स एच अपॉन 4π, या यू लिख लें इसको, किस रूप में लिखते हैं इसको, डेल्टा एक्स और एम डेल्टा वी को हमें लेना है, तो यहां पे सीधा हम ले लें इसको डेल्टा वी जो हम इसको निकालना चाह रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एच अपॉन 4π, एच अपॉन 4π
और क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स एन, ये चीज हमारे पास आ गई। अब इसमें अगर इसका मान रखते हम एच, हम जानते हैं कितना होता है 6.62 × 10⁻³⁴ किलो जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और नीचे क्या हमारे पास 4 PM 4 × π, पाई क्या होता है 22/7, या इसको 3.14 भी लिखते हैं सीधा 3.14। डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स का हमने निकाला है पोजीशन में 10⁻¹⁰ मीटर, और इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास क्या था हमारे पास मोमेंटम में मान 9.1 m, m का तो मान ले रहे ना इलेक्ट्रॉन का 10⁻³⁰ किलोग्राम, और ये मान अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा डेल्टा बी का 5.7 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये मान हम आसानी से इसका ज्ञात कर सकते हैं, अनिश्चितता किसमें इनकी वी में, वेग में अनिश्चितता है, क्योंकि स्थिति की अनिश्चितता हमें यहां पे दे रखी है, एच का मान दे रखा है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान हमें ज्ञात है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी मान को निकाल सकते हैं। अगर डेल्टा पी एक्स में एम डेल्टा वी, ये हमने पहले लिया बराबर संवेग है मोमेंटम है, एम मास है, डेल्टा वी इसका वेग है, और डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे स्थिति है इसकी पोजिशन है। तो अगर ये मान हमें दे रखे हैं तो हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।